हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से इस पोंचू के साथ की कैप बनाना बताती हूँ। ये देखिए, इस पोंचू के साथ की हम आपको कैप बताएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से आपको कैप बताएंगे। ये बनाने में बिल्कुल आसान है। पोंचू को अपलोड कर दिया है अपने चैनल में, तो ये मैंने 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बताया है। तो 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ही मैं कैप बताऊँगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये लड्डू गोपाल का कैप के साथ पोंचू आपको कैसा लगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 कलर लिए हैं जो मैंने पोंचू में लगाया है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर लेके कैप बनाएं। और यहाँ पे 10 नंबर सिलाई ली हुई है, थोड़ी ही उल में हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन से फंदे डालेंगे। ये देखिए कैप में आपको, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 30 फंदे डालेंगे कैप के लिए। हम आपको अच्छे से नए डिज़ाइन की एक कैप बता रहे हैं, तो यहाँ पे 30 फंदे मैं ले लेती हूँ। तीन से चार नंबर के लिए ये देखिए इस तरह से बिल्कुल इजी है फंदे डालना। अगर आप अंगूठे से नहीं डाले तो इस तरह से उंगली से भी देखिए इस तरह से डाल सकते हैं आप। और इस धागे को इस तरह से, ये देखिए, तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 30 फंदे डाल लेती हूँ कैप के लिए। इसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 30 फंदे ले लिए हैं। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये कैप बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 30 फंदे डाल के आपने इस तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। और ये यहाँ पे 2 सिलाइयाँ हम बनाएंगे। ये बिल्कुल इजी है, काफ़ी सुंदर बन जाती है। तो यहाँ पे मैं 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेती हूँ। ये देखिए जिस तरह से हम बना रहे हैं, दोनों तरफ से इसी तरह से हमने बनाना है, दोनों साइड से इसी तरह से। ये देखिए, तो चलिए 2 सिलाइयाँ इसी तरह से बनाते हैं। इसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं उल्टी उल्टी, यानी कि दोनों तरफ की ये 4 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद हम, ये देखिए, यहाँ पे एक पूरी सीधी सिलाई बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए 2 सिलाइयाँ उल्टी बनाने के बाद, यानी कि दोनों तरफ की 4 सिलाइयाँ हैं यहाँ पे हो चुकी हैं। इसके बाद हम पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए पूरी सिलाई को सीधा बना रही हूँ। बहुत ही इजी है ये। तो लास्ट तक हमने पूरी सिलाई को सीधा बना लिया है। ये देखिए इसके बाद हम उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। सीधी तरफ से हमने सीधी बनाई है, इसको मैं पूरा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद आपको दिखाती हूँ फिर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने उल्टी सिलाई को भी बना लिया है, 1 सिलाई हमने सीधी बनाई है, यानी कि ये 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं दोनों तरफ की। ये हो चुकी हैं उल्टी उल्टी सिलाइयाँ 4, और ये 1 सिलाई जो हमने बनाई है ये दोनों तरफ की 2 सिलाइयाँ। इसके बाद हम फिर से 2 सिलाइयाँ उल्टी ही बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से इसको बना के कंप्लीट करते हैं इसकी लंबाइयाँ।
ये देखिए, तो इसकी लंबाई अब मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से, और इसके बाद आपको दिखाती हूँ फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी लंबाई बना ली है, ये देखिए इतना इसको हमने बना लिया है। 2, 3, 4, 5, 6, 6 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, यानी कि दोनों तरफ की ये 12 सिलाइयाँ हमने बना के कंप्लीट कर ली है। इसके बाद ये देखिए, हम यहाँ से फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए किस तरह से हमने फंदे घटाने हैं। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 4 फंदे घटाने के बाद हम एक दो दो फंदों का एक बनाएंगे, फिर हमने 4 फंदे बनाने। ये देखिए 2, 3, 4, फिर ये देखिए एक साथ हम 2 का एक बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे फंदे घटाने, फिर हमने 2, 3, 4 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, और 5वें फंदे को हम 2 का एक बनाएंगे। 3, 4 और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, फिर हमने 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लास्ट में बना देते हैं 2 का एक, ये देखिए। तो यहाँ से हम फंदे घटा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा ही बनाएंगे। तो फिर से ये देखिए, आप यहाँ पे 2, 3, फिर हम यहाँ पे फिर से हम 2 का एक बनाएंगे। 2, 3, फिर से हम इसी तरह से फंदों को घटा लेते हैं। पहली सिलाई पे 4-4 फंदों पे फंदा घटाया था, अब हम 3 फंदों पे फंदा घटा रहे हैं। ये देखिए, तो चलिए घटा लेते हैं इनको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फंदे घटा दिए हैं 3 सिलाइयों पे। इसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 फंदे रह गए हैं। इनको हम एक साथ 15 फंदे हमने घटा दिए, इनको हम इस तरह से घटा देंगे। ये देखिए सुई के साथ भी आप भर के इनको कर सकते हैं, पर हम आपको बहुत ही इजी और बहुत ही सरल सा ये बता रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर सभी फंदे 15 फंदों को घटा लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा हम इनको टाइट ही घटा रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ पे इस धागे को इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फंदे घटा दिए हैं और यहाँ पे धागे को कट कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे येलो कलर के ये 12 फंदे डाल लिए हैं, और ये हमने 12 फंदे डाल के यहाँ पे पगड़ी लगाने के लिए इसको हम बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी, इस तरह से हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी इसको हम बनाएंगे। इसकी भी हम लंबाई एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे इसको।
ये देखिए, तो उल्टी सिलाई को हम बना चुके हैं, दोनों तरफ से उल्टा बना रहे हैं इसको। इसके बाद हम फिर सीधा बनाएंगे और सीधी सिलाई को सीधा बनाएंगे, उल्टी सिलाई पे उल्टा बनाएंगे उसको। तो यहाँ पे अब सीधी सिलाई बना लेते हैं, उल्टी तरफ से उल्टा बनाएंगे, तो ये हमारा सीधी तरफ है, इसको हम सीधा बना के कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बना लेते हैं इसको भी, इसके बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 6 सिलाइयाँ इसको बना के कंप्लीट कर लिया है, 12 फंदे डाले थे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये देखिए, इसी धागे से हम इसको, ये देखिए इस तरह से, यहां से मैं, ये देखिए अच्छे से इसी धागे से मैं यहां पे इसको इस तरह से बांध लूंगी। ये देखिए, और यहीं से कट करके इसमें हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको बांध लिया है और जो एक्स्ट्रा धागा था नॉट लगा के कट कर लिया है इसको। अब ये देखिए, यहाँ पे हम धागा सभी को कट कर लिए थे, तो हमने फिर से सुई में धागा डाला है। अब ये देखिए हम यहाँ पे किस तरह से सिलेंगे, इसी में भी आप धागा छोड़ के आप सिलाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए, हर चैन से निकालते हुए इस तरह से हम, ये देखिए, हर चैन से निकालते हुए मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, बहुत ईजी है। वापस इसी में डालेंगे यहाँ पे, तो वापस सुई को इसी तरह ले आए हैं। ये देखिए अच्छे से इसको खींच लेंगे, ये देखिए तो खींच लिया है। अब यहाँ पे ये दूसरे वाला भी हम उसी तरह से यहाँ पे, ये देखिए इसी धागे से हर चैन में से निकालते हुए सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, और वापस फिर से हम यहीं पे डालते हैं। वापस इसी में डालने हैं फिर से, ये देखिए, और अच्छे से खींच लिया है। ये देखिए, अब इसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से इसको, ये देखिए डालेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल लिया है और यहीं पे हम, फिर से हम यहीं पे इस तरह से सिलाई करेंगे। बिल्कुल ईजी है, इसी में हम टांग लेंगे इसको। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसी तरह से इसमें इसको अच्छे से टांग लेना है, सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, और पीछे से भी जो थोड़ा खुला है तो इसको हम सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको यहाँ से भी सिलाई कर ली है हमने, इस तरह से धागा डालते हुए। और देखिए यहाँ पे 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल के लिए अच्छे से कैप बनके कंप्लीट है। ये देखिए, और यहाँ पे हम कोई भी बीच में बटन वगैरह